अरे भाई, मैंने उसके जूते में कील डाल दिए हैं। जब वो जूते पहनेगा ना, उसके पैर छलनी छलनी हो जाएंगे। बहुत तरक्की कर रहा था ना, आज उसे पता चलेगा। हाँ, बहुत घमंड था ना उसे, जब घर बैठेगा तब उसे पता चलेगा। अबे वो देख, जूते पहन रहा है। हाँ, उम्र सारे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने खुद उसके जूते में कील डाले थे। अरे अरे तूने झूठ बोला है, तूने कील डाले ही नहीं है। नहीं नहीं भाईजान, आप मेरा भरोसा करें, मैंने अपने हाथों से कील डाले थे। अब बस बहुत हो गया, मुझे भरोसा नहीं है तुम पे। अरे भाई अब तू जा, तू कील डाल गया। भाई काम हो गया, मैंने कील उसके जूते में डाल दिए, अब उसके पांव छनी छनी हो जाएंगे। शाबाश मेरे शेर। अरे उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई मैंने तो इतने सारे कील उसके जूते में डाले थे। देखा भाई, अब आपको यकीन आया, मैंने भी कील डाले थे और इस भाई ने भी कील डाले हैं। अब लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, इतने मोटे मोटे कील डाल के आऊंगा, उसके पांव छलनी छलनी हो जाएंगे, देखना तुम। जाबे, इतने मोटे मोटे कील डाल के आया हूं, इसके पांव अब पक्की बात है छलनी छलनी हो जाएंगे। सही कह रहे हो, ऐसे ही हमारा बदला पूरा होगा। बहुत तरक्की कर रहा था ना ये, इसे भी तो पता चलना चाहिए हमसे उलझने का इंजाम क्या होता है। ठीक है, खुदा की कसम एक बार ये काम हो जाए। अबे ये क्या, अरे इसे कैसे कुछ नहीं हो सकता। अरे पक्की बात है ना, आपने कील डाले भी थे या नहीं? यार इतने बड़े बड़े कील डाल के आया हूँ उसके जूतों में, मुझे तो कोई चक्कर लग रहा है, इसके जूतों में कोई जादू वादू तो नहीं। चलो चल के पता करते हैं। अरे खलील, अरे हमें ना तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? अरे भाई हमें एक बात समझ नहीं आ रही, हमने आपके जूतों में कील डाले हैं और आपको कुछ हो भी नहीं रहा। अरे भाई हमने आपके जूते में कील डाले थे, आपको महसूस क्यों नहीं हो रहा है? हाँ भाई, एक बार इसने डाले हैं, एक बार इसने और एक बार मैंने खुद डाले हैं कील, कैसे कुछ नहीं हो सकता यार तुम्हें। अरे ऐसा क्या जादू किया है तुमने, हर चीज में से हमसे आगे निकल रहे हो, और आज तो गजब भी हो गया, जूतों में से कील ही गायब हो गए। हाँ ये ठीक कह रहा है, अभी के अभी मुझे जूते चेक करवाओ अपने। अरे भाई सोच करो, जल्दी से जूते उतारो। अरे ये तो पत्ते भरे हुए हैं, अरे ये कैसे हुआ, हमें जरा बताओ। ये इसलिए हो गया क्योंकि मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, इसलिए मैं और मेरा दिल दोनों साफ हैं और खुदा भी मेरे साथ है। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप ये सारे काम छोड़ के 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, तरक्की आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। अरे भैया आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी, हम तो हसद में जल रहे थे। अरे भाई हमें माफ कर दो, इंशाल्लाह हम आपकी बात पे अमल करेंगे, और आज के बाद हम तीनों किसी से हसद करने के बजाय 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हमें भी यार तरक्की अता फरमाए। खुदा हाफिज़।